नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम में शुक्रवार को भीड़ आईपीएल की नई सनसनी रिंकू की बल्लेबाजी देखने के लिए उमड़ी थी, लेकिन महफिल इंग्लैंड की सनसनी हैरी ब्रूक लूट कर ले गए। आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऑलराउंडर सैम ब्रेंट 18.5 करोड़ में, जहाँ अभी तक पंजाब के लिए अपनी कीमत के हिसाब से नहीं खेल दिखा पाए, वहीं हम वतन हीरो हैरी ब्रूक ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नाबाद शतक चढ़कर साबित कर दिया। महज 1.5 करोड़ का आधार मूल्य होने के बावजूद उन्हीं सनराइजर्स ने नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा कर 13.25 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा था। ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी करके ये साबित कर दिया। ब्रूक की शानदार धारदार बल्लेबाजी के बल पर सनराइजर्स ने कोलकाता को 23 रनों से मात दे दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बना लिए, जिसके जवाब में केकेआर ने 7 विकेट पर 205 रन बनाई। हैदराबाद ने मौजूदा सत्र में पहली बार 200 से ज़्यादा रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। ब्रूक ने तेज गेंदबाज उमेश यादव द्वारा डाले गए मैच के पहले ही ओवर में 3 चौके चढ़कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे और उन्होंने महज 26 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर 55 गेंदों में शतक ठोक डाला। 100 रनों की शानदार पारी में 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। दोस्तों, हैरी ब्रूक सनराइजर की तरफ से नाबाद 100 रन बनाए 55 गेंदों पर। मयंक अग्रवाल मात्र 9 रन, राहुल त्रिपाठी मात्र 9 रन, एडन मकरम ने शानदार 5 छक्के की मदद से 50 रनों की पारी खेली और अभिषेक शर्मा ने भी 2 शानदार छक्कों की मदद से 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 32 रनों की पारी खेली और इस प्रकार सनराइजर्स ने 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए 20 ओवर में। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए गुलबाज और चौधरी शर्मा ने 36 रन वेंकटेश ने 11 गेंदों में 10 रन, सुनील नारायण 0 पर आउट हो गए तो वहीं नीतीश राणा ने शानदार 6 छक्कों की बदौलत 75 रनों की पारी खेली। आंद्रे रसेल कुछ खास नहीं कर सके और मात्र 3 रन पे आउट हो गए। रिंकू की बल्लेबाजी करने भीड़ उमड़ी थी और रिंकू ने शानदार अर्धशतक भी बनाया और 31 गेंदों में 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 58 रनों की पारी खेल दर्शकों का मनोरंजन किया। वो जीत तो नहीं दिला पाए लेकिन दर्शकों का शानदार मनोरंजन किया और शार्दुल ठाकुर ने भी 7 गेंदों में 12 रन की पारी खेली। इस प्रकार कोलकाता नाइट राइडर्स मात्र 205 रन ही बना सकी और 7 विकेट के नुकसान पर, और इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता को मात देकर 23 रनों से यह मैच जीत लिया और अंक तालिका में अपने को सुधारा। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब